पाकिस्तान से आपको बता दें, पनामा गेट में नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोषी करार दिए गए हैं। पीएम पद पर नहीं रह सकेंगे नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त पनामा गेट मामले में। ये बड़ी खबर आ रही है, नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है और अब पीएम पद पर नहीं रह सकेंगे नवाज शरीफ। लगातार उनकी कोशिशें होती रही हैं कि वो किसी भी तरह से इस पद पर बने रहें। अभी तक जो भी कोर्ट की तरफ से वो फैसले आए थे उसको अपने पक्ष में करने और देखने की कोशिश होती रही है, लेकिन एक ये बड़ा झटका लगा है और पीएम पद पर नहीं रह सकेंगे नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान से बड़ी खबर पनामा गेट मामले में। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला उसने सुनाया है। ये केस पाक पीएम नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सियासत के लिए काफी अहम है और ये एक बड़ी खबर पाकिस्तान से नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। पीएम पद पर अब इस फैसले के बाद नहीं रह सकेंगे नवाज शरीफ। पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला, नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है, अयोग्य घोषित किए गए हैं नवाज शरीफ। 5 जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया है, पीएम पद पर अब नहीं रह सकेंगे नवाज शरीफ, इस पद के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, अयोग्य करार दिए गए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता दें, प्रधानमंत्री के पद पर अब नहीं रह पाएंगे नवाज शरीफ। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 5 जजों के बेंच ने दोषी करार दिया है। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, अयोग्य घोषित किए गए हैं नवाज शरीफ। पनामा गेट मामले में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। 5 जजों के बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और आपको बता दें कि इस मामले में नवाज शरीफ समेत उनके परिवार वालों पर काला धन छुपाने, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और अब उनके खिलाफ ये फैसला आया है तो उन्हें जाहिर तौर पर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में। और सलाम सुलेमान पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलाम सुलेमान साहब, पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ ये बड़ा फैसला 5 जजों के बेंच ने सुनाया है, अब ये कहा जा सकता है कि पीएम पद पर नहीं रह पाएंगे नवाज शरीफ? जी बिल्कुल, अभी 12:10 पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है और ये यूनानिमस डिसीजन है 5-0 से। अच्छा, मजीद ये फैसला कहता है कि प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर अपना ऑफिस जो है वो खाली करेंगे और उसको छोड़ेंगे। मजीद उनके खिलाफ जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं और दीगर मामला हैं वो नैब में दे दिए गए हैं और नैब जो है उसको भी ये गाइड कर दिया गया कि वो फौरी तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे और एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो फौरन अपनी फाइंडिंग जो है वो फर्दर जमा करवाए। लेकिन फिल वक्त के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यूनानिमस डिसीजन है 5-0 का। जी, क्या नवाज शरीफ के बचाव में यहाँ पर कोई विकल्प है, क्योंकि वो लगातार जो है वो जो भी आदेश आते रहे, फैसले आते रहे, उनसे किनारा करते हुए, उससे बचते हुए नजर आते रहे हैं नवाज शरीफ? नहीं, मेरा जाती ख्याल है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल अथॉरिटी होती है, उसने अपना डिसीजन सुना दिया। माजी के अंदर भी देखें, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने इल्जामात कहते रहे और फिर वो फारग भी हुए हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से। कानून की एक हुक्मदारी है, कानून ने हुक्म जारी कर दिया तो अब नवाज शरीफ के पास बचाव का कोई इम्कान नहीं है। कानून ने कह दिया कि वो अपने फौरी तौर पर जो है वो ऑफिस फारग करेंगे तो वो आज उनको अपना ऑफिस जो है वो फारग करना पड़ेगा। तो आगे अब पास बचाव का बहरहाल कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो आगे अब क्या डेवलपमेंट आ सकते हैं इसमें सलार सुलेमान साहब? देखें, डेवलपमेंट माजी को फिर मैं सामने रखूंगा क्योंकि तारीख हमें बहुत कुछ सिखाती है।
सिंपल, नवाज शरीफ इज डिस्क्वालिफाइड, वो साइड पर हो जाएंगे, अपना ऐवान जो है वो एक नया वजीर आजम चुनेगा और नया वजीर आजम एंड मुमकिन है कि वो मुस्लिम लीग नून जो एक रूलिंग पार्टी है उसका ही होगा। अब ये देखना है कि नया वजीर आजम कौन होगा, क्या वो इस हुक्मरान पार्टी में से आएगा जिसके इम्कान बहुत कम है, और क्या वो जो है वो नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो 2018 में होंगे और पीछे तकरीबन एक साल या उससे भी कम का अरसा रह गया, एक साल से कम का अरसा बाहर नए इलेक्शन में, तो एक मखसूस मुद्दत के लिए एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा और वो जो है वो आगे के मामला को चलाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनके अंदर जमात इस्लामी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये दो थे जिन्होंने केस दायर किए थे। सबसे पहले जमात इस्लामी ने केस दायर किया था आज से तकरीबन एक साल पहले, उनके जो चीफ है सिराज उल हक वो गए थे कोर्ट के अंदर, और उसके बाद फिर इमरान खान जो थे वो आए थे, और फिर शेख रशीद जो एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर है वो गए थे अदालत के अंदर, उन्होंने केस दायर किया था, और फिर मुख्तलिफ पार्टीज तमाम जो है केस दायर किए गए थे। और इस बीच सुलेमान साहब ये तस्वीरें भी आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, किस तरह से नवाज शरीफ के विरोधी जो है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। सुलेमान साहब ऐसा लगता है कि विरोधी भी जो हैं वो पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी इस मामले में। यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बड़ी टेंस थी कल रात से भी, और उसमें यही था कि हर बंदा सोचता था होगा क्या। मुखालिफ पार्टियां मतलब अपोजिशन पार्टियां उन्होंने मिठाइयों के ऑर्डर बुक करवाए हुए थे रात से ही, और जो हुक्मरान जमात थी वो अपना एक नया लायमल तय करने को थी। आपने देखा होगा कि जो वजीर दाखिला थे हमारे चौधरी निसार साहब, उन्होंने कहा था कि मैं पैनामा केस का फैसला आने के बाद अपना इस्तीफे का फैसला करूंगा कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो और उससे भी ये चीज़ वाजे हो रही थी कि ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है जितना कि बाकी दुनिया जो है वो उसको समझ रही है। लेकिन आज पैनामा का केस का फैसला आ गया है और एक तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, दूसरी तरफ सफे मातम बिछी हुई है, तो अब सिचुएशन एक आध घंटे के अंदर या कुछ और थोड़ा सा। सुलेमान साहब आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि इधर बिहार पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां पर अपने बेटे को बचाने के लिए लालू यादव ने सत्ता भी गंवा दी, और इधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी बच्चों की वजह से खासतौर पर नवाज शरीफ जो है वो घेरे में कटघरे में आ गए थे, और अब उनके खिलाफ ये बड़ा फैसला किस तरह से देखा जाए। दरअसल हम सबको इस बात की आशंका थी कि नवाज शरीफ इस पनामा लीक्स मामले में बड़े पैमाने पर फंस सकते हैं। इसमें न सिर्फ वो बल्कि उनकी बेटी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा था। उनकी बेटी ने कई बार इस बात को डिनाई करने की कोशिश की कि नहीं उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही थी कि जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले और खासकर इन आरोपों के सत्यापित करने के तमाम पेपर्स मौजूद वहां पर थे, नवाज शरीफ के दिन गिनती के बचे हुए थे। लेकिन अब जैसा कि माना जा रहा है, हो सकता है कि नवाज शरीफ के भाई को शायद कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर कुछ दिनों तक रखा जाए, ऐसी खबरें कुछ वेबसाइट्स पर चल रही हैं, लेकिन अभी स्पष्टता नहीं है। अगर शायद पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति शासन। चलिए अजय जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अब्बास शाह पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास शाह साहब, पनामा लीक केस में नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है, क्या और खबरें से जुड़ी हुई आ रही है, अदालत ने और क्या कुछ कहा है इस मामले में? देखिए, सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी नवाज शरीफ की फैमिली जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई है और उनके ऊपर पूरी फैमिली के ऊपर अब क्रिमिनल केसेस चलेंगे तो ये गलत ना होगा, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर आया है पनामा पेपर्स में उसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और नवाज शरीफ के समधी भी हैं इसाकदार, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके साथ साथ हसन नवाज, हुसैन नवाज जो नवाज शरीफ के बेटे हैं, मरियम नवाज और जो उनकी बेटी है, और साथ साथ कैप्टन सफदर जो कि नवाज शरीफ के दामाद हैं, सबको डिस्क्वालीफाई किया गया कि वो भी आगे किसी अवामी ओहदा जो होता है उसके ऊपर नहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं ना आ सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि पूरी नवाज शरीफ की फैमिली डिस्क्वालीफाई होगी और उनकी सियासत खत्म कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ये चाहते थे कि अगर वो जाते हैं तो उसके बाद उनकी बेटी जो मरियम नवाज है वो अपने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वो संभाले। लेकिन अब मरियम के खिलाफ भी फैसला आया है और जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उनके छोटे भाई जी। अब्बास साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद क्या पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो जाएंगे नवाज शरीफ और उनका परिवार भी, और अब किस तरह से उनकी स्थिति रह जाएगी?
देखिए इस फैसले के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा पहुंचा है तो वो इमरान खान है। इमरान खान भी इस केस को लेकर आए थे और वो सबसे ज्यादा मजबूत होंगे और नवाज शरीफ खासे कमजोर होंगे, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अब दे दिया है तो उसके बाद वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पार्टी के चीफ, पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते, क्योंकि पीएमएलएन के प्रेसिडेंट भी नवाज शरीफ है। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और ना अहम शख्स पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं रह सकता, तो उसके बाद उनकी पार्टी पर जो ग्रिप है वो कमजोर होगी, ग्रिप कमजोर होगी, जिसके बाद अब ये लग रहा है कि ये सारी पार्टी शरीफ फैमिली के हाथ से निकलेगी, जो नवाज शरीफ की फैमिली उनके हाथ से निकलकर अब शायद छोटे भाई जो उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ उनके हाथ में उनकी सत्ता आए, ये सारी गेम आए। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें बड़ा धचका है नवाज शरीफ फैमिली के लिए, नवाज शरीफ के लिए और उनके अपने घर वालों के लिए। चलिए अब्बास शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब पॉलिटिकली काफ़ी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, इमरान खान की पार्टी को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्या आर्मी की भी दखलंदाजी इस बीच बढ़ सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जैसा कि अभी पाकिस्तान से भी आपको विशेषज्ञ बता रहे थे कि उम्मीद ऐसी ही है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं उनको शायद प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश पार्टी के द्वारा की जा सकती है। ये शायद आखिरी मौका होगा जब दरअसल नवाज शरीफ किसी तरह से सत्ता में बने रहने की अपनी कोशिश को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में शायद इमरान खान को अभी बहुत ज्यादा मोहलत न मिल पाए, लेकिन चुनाव अगले साल होने हैं जिसका लगभग एक साल का वक्त बचा हुआ है, और ऐसे में हम सब जानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं और उन्होंने आतंकवाद को पनपाने और फैलाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। लगातार उनकी संवेदनाएं लश्करे तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से रहे हैं, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में सेना का दखल पाकिस्तान की राजनीति में और ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा, राष्ट्रपति का भी दखल बढ़ता दिखेगा और ये प्रदर्शित करेगा कि पाकिस्तान अब एक तरह से सेना के मातहत ही होगा। हालांकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बस नाम के लिए वहां पर रहती दिखाई देगी। तो अगला एक साल पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही अस्थिर होगा। जहां तक इमरान खान की बात करें तो इमरान खान और बादरी ये दो ऐसे नेता हैं जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ को हटाकर खुद अपने आप को सत्ता पर आसीन कर लें और नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार को सामने रखें, लेकिन उन्हें भी सेना का ही समर्थन हासिल था। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की राजनीति में जहां सेना सबसे बड़ी ध्रुवी है, वहीं पर आज पाकिस्तान की राजनीति पूरी तरीके से सेना के आसपास घूमती दिखाई देगी। हाँ, ये जरूर है कि हिंदुस्तान के साथ संबंधों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी चुनाव के माहौल होते हैं तब हिंदुस्तान के खिलाफ भाषा कहीं ज्यादा तल्ख हो जाती है। बिल्कुल अजय जी, क्या भारत की कूटनीति में भी इस फैसले के बाद कुछ बदलाव हो सकती है? भारत के पास दरअसल कूटनीतिक स्तर पर फिलहाल अगर देखें तो बहुत ज्यादा विकल्प पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को एक तरह से किनारे कर रखा है और बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही इस बात को लेकर कि हम अपने संबंधों को बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत की संवेदनाओं को समझने की कोशिश ना के बराबर है। ऐसे में मोदी सरकार का इंटरेक्शन नवाज शरीफ सरकार से बहुत कम रहा है पिछले डेढ़ साल के भीतर अगर आप खास करके देखें, और आने वाले एक साल में इसमें कोई इजाफा हो सकता है, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। चलिए अजय जी, आप बन रही है अब्बास शाह वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास शाह साहब, मरियम शरीफ और नवाज शरीफ की अगर बात करें तो किस तरह से इनकी स्थिति अब दिखेगी और आज फौरी तौर पर क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं? अब्बास शाह साहब, अगर हमारी आवाज आप तक आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ की क्या स्थिति और मरियम जो है उनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है फौरी तौर पर आज, और कौन से डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं? चलिए बता दें आपको, पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ दोषी करार दिए गए हैं और नवाज ने बेईमानी की, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, पांच जजों के इस बेंच ने, और पीएम पद पर नहीं रह सकेंगे अब नवाज शरीफ, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, हाशिए पर आ चुके हैं, और इमरान खान की पार्टी को काफ़ी फायदा हो सकता है ये कहा जा रहा है। पाँच जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया है पनामा गेट मामले में, जिसमें भ्रष्टाचार का ये मामला, नवाज ने बेईमानी की, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है, और अब पीएम पद पर नहीं रह सकेंगे नवाज
शरीफ। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आज सुप्रीम कोर्ट का वाज़े ऑर्डर आया है, वाज़े के इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी कि फौरन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इश्यू कर दे और नवाज शरीफ साहब को बरतरफ कर दिया जाए। थैंक यू, अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया। लोग वहां पर मौजूद, आम लोग भी, कानूनविद और वकील बड़ी संख्या में सब वहां पर मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी वहां पर तैयारी है और साफ तौर पर यह लग रहा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें एक बड़ा मौका मिला है, खुशी का आलम है उनके बीच। यहां पर अब नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 5 जजों की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। साफ तौर पर एक बड़ी टिप्पणी की नवाज ने बेईमानी की है, जो बातें भी रखी कोर्ट के सामने वो झूठ थी, तथ्य से परे थी, और ये कहते हुए अयोग्य घोषित किया गया नवाज शरीफ को। तो अजय कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, काफी सख्त तल्ख टिप्पणी इसे कहा जा सकता है, किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए और फौज की भूमिका यहाँ पर और भी अहम होती हुई दिखाई पड़ सकती है? बिल्कुल, लेकिन अभी अगर आप पाकिस्तान के तमाम वेबसाइट्स को देखें जो अभी हम पढ़ पा रहे हैं और जिस तरह की खबरें अभी पाकिस्तान में चल रही हैं वो प्रदर्शित करती हैं कि दरअसल पाकिस्तान में अब इस बात को लेकर ज्यादा आवाज उठाई जा रही है कि वहां अब सरकारी ओहदों पर जो तमाम लोग हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आ रहे हैं, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इश्यूज बढ़े रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से जेल या इस तरह की कोई चीज कहीं उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता है, ऐसे लोगों पर अब नकेल लगा पाना ज्यादा आसान होगा। खास करके इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 बेंच के इस जज में 5-0 से इस बात पर स्पष्टता रखी है कि नवाज शरीफ और उनका परिवार लिप्त है भ्रष्टाचार में। दरअसल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने ही नवाज शरीफ के हक में पहले रूलिंग दी थी, जिसमें अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह कहा था कि जो तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं पनामा लीक के जरिए, जिसमें भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है नवाज शरीफ और उनकी बेटी के ऊपर, ये तमाम सबूत नाकाफी हैं, ऐसे में नवाज शरीफ के ऊपर केस आगे बढ़ाया जा पाना मुश्किल होगा। लेकिन वहां की कई समाचार एजेंसियों ने जिस तरह से इस पूरी खबर को बनाए रखा, तहकीकात होती रही और उसके बाद जो जांच से सामने निकल कर आए वो स्पष्ट तौर पर कोर्ट को संतुष्ट कर गया कि नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनकी बेटी जी। और चलिए अजय जी, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को तो बर्खास्त कर दिया है, बेटी और दामाद भी दोषी करार दिए गए हैं। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, तो लगातार मुश्किल में नवाज परिवार। राजा जी, मरियम और दामाद नवाज शरीफ के, उन्हें भी दोषी करार दिया गया है, यानी कि पूरे नवाज शरीफ परिवार के लिए मुश्किल का वक्त। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि ज्यादा उम्मीद इसी बात को लेकर अब है कि जो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं शहबाज शरीफ उनको ही अब प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज शरीफ आगे रखेंगे, ताकि उनके परिवार का दखल कम से कम राजनीति पर बना रहे। और अभी 1 साल का कार्यकाल उनका बाकी बचा है और ऐसे में नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल जाए। हालांकि PPP और अन्य राजनीतिक दल इस पर अभी से ही जोर बना रहे हैं कि नवाज शरीफ के किसी भी खानदान के व्यक्ति को वहां पर प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश न छोड़ी जाए, और इसे लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके बयान अलग अलग आ रहे हैं और सब इसी बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्टता रख रहे हैं कि अब नवाज शरीफ खानदान को किसी भी तरह से सत्ता में शामिल न होने दिया जाए। अगर हम पीपीपी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बात कहें तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये एक अहम कदम है, जो कि अगर उठाया जाता है तो इसके बाद कम से कम पाकिस्तान में इंसाफ होगा। पीपीपी के एक दूसरे लीडर हैं कमर जमान, उनका कहना है कि ये जजमेंट इससे बेहतर मौके पर नहीं आ सकता था, और खास करके PTI जो कि पाकिस्तान की एक पार्टी है और उसके साथ साथ
इमरान खान को ये उन्होंने श्रेय दिया है कि इन दोनों ने जिस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया है उसकी वजह से ही आज नवाज शरीफ दरअसल अपने पद से बेदखल किए जा चुके हैं। और पीटीआई के जहांगीर तहसीन का ये कहना है कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है और जिस तरह से वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि समाज को सुधारा जा सके, भ्रष्टाचार को पाकिस्तान से कम किया जा सके, इसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है।